अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करना है। आप लोगों की बुक का चैप्टर नंबर 8 हम लोग कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों के पास सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, फिर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को किसी भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर यूज होते हैं। हमने 3 टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर को डिस्कस किया। नंबर 1 कंपाइलर, नंबर 2 आप लोगों के पास है इंटरप्रेटर, और नंबर 3 आप लोगों के पास है असेंबलर। और उसके बाद हम लोगों ने इनके कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस किया। आप लोगों को मैंने होम टास्क दिया था, आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना था। होपफुली आप लोगों ने उसको कम्प्लीट किया है। आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस करना है आपके स्टेप्स किसी भी सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो पहला स्टेप है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम को या बनाने के लिए उसको क्रिएट करना, उसमें चेंजेस करना, उसको एडिट कर सकना। सेकेंड आप लोगों के पास है सेविंग अ सी प्रोग्राम। आप लोग किसी भी सी प्रोग्राम को किस तरह से सेव कर सकते हो वो हम लोग इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। देन कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, किसी भी सी प्रोग्राम को आप लोग किस तरह से कंपाइल करेंगे, किस तरह से ट्रांसलेट, आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसको कंपाइल करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो डिस्कस करेंगे, और कंपाइलिंग होती क्या है वो डिस्कस करेंगे। देन लिंकिंग अ सी प्रोग्राम, लिंकिंग का क्या मतलब है, सी प्रोग्राम को किस तरह से लिंक करते हैं, ये आगे हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन लोडिंग अ सी प्रोग्राम, किसी भी सी प्रोग्राम को लोड करना। तो आप लोगों के पास किसी भी एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर किस तरह से समझेगा और उन कामों को करेगा, उस टास्क को कंप्लीट करेगा, उसके लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले आप प्रोग्राम को क्रिएट करो, देन सेव करो। सेव करने का मेन मकसद यह है कि आप उसको फ्यूचर में भी यूज कर सको। देन आप लोगों की, क्योंकि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उस प्रोग्राम को कंपाइल करो ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। फिर उस ट्रांसलेशन के बाद उसको जो जो चीजें भी चाहिए होती हैं काम करने के लिए वो उनको इकट्ठा कर सके, लिंक करे। देन आप लोगों के पास, आप लोगों ने ICS पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा रोम रैम का कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज कंप्यूटर में तब तक चल नहीं सकती जब तक वो उसकी मेमोरी में लोड नहीं हो सकती। तो सी प्रोग्राम भी तब तक आप लोगों के पास एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक वो मेमोरी में लोड नहीं हो सकती। तो इन सारे पॉइंट्स को अब आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करते हैं। लास्ट आप लोगों के पास लोड करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों का प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट। आपको वो सारे काम नजर आते हैं जिसके लिए आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा है। देन सबसे पहला पॉइंट, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को क्रिएट करना और उसमें एडिटिंग करना। क्रिएटिंग और एडिटिंग को साथ रखने का मकसद ये कि आप लोग जिस टाइम पे क्रिएट करते हो आप लोग गलत टाइप कर सकते हो, आपके पास सिंटैक्स एरर आ सकता है, किसी टाइप का भी एरर। तो आप लोगों के पास कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जिसमें आप लोग एडिट भी कर सको। जरूरी नहीं है कि एक दफा एक चीज आपने लिख दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उस चेंज को करने के लिए आप लोग, जैसे कंप्यूटर पे नोट पैड है आपके पास, वर्ड पैड है आप लोगों के पास, इसी तरीके ये टेक्स्ट एडिटर्स हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट एडिटर्स को यूज करती हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम के आपके पास पहला स्टेप, आपकी सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के जो स्टेप्स है उसमें पहला स्टेप क्या है, क्रिएट और एडिट करना प्रोग्राम्स को। इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, प्रोग्राम को लिखना, राइटिंग, मॉडिफाइंग, प्रोग्राम में जो भी चेंजेस आप लोग करना चाहते हो वो चेंजेस, और अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हो कोई स्टेटमेंट्स तो वो फैसिलिटी भी आप लोगों को क्रिएटिंग एंड एडिटिंग के स्टेप में प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले क्रिएटिंग एंड एडिटिंग सी प्रोग्राम में पहला स्टेप, सबसे पहले क्या क्या इन्वॉल्व कर सकता है, प्रोग्राम को लिखना, राइटिंग, मॉडिफाइंग, उसमें चेंजेस करना, और प्रोग्राम के किसी हिस्से को आप लोग डिलीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो।
और ये सारी फंक्शनैलिटीज के लिए डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया नोटपैड, वर्डपैड, बट मोस्टली कंपाइलर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको उनका अपना ही टेक्स्ट एडिटर. फॉर एग्जांपल आपने जो काम आपके कोर्स का पार्ट है टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी, तो आप लोगों के पास जिस टाइम पे आप टर्बो सी इंस्टॉल करोगे वो एक आईडीई है, वो होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, जो हम लोग लैब के सेशन में डिस्कस भी करेंगे. तो आप लोगों के पास इस एनवायरमेंट में होता क्या है, आप लोगों के पास एडिटर हर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है वो कंपाइलर के साथ ही मौजूद होती है. तो हर कंपाइलर अब तक जैसे टर्बो सी भी है वो अपना टेक्स्ट एडिटर देता है. जैसे ही आप लोग टर्बो सी को ऑन करोगे तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी जहां आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो, तो उसको आप लोग बोलते हो टेक्स्ट एडिटर. देन सेकेंड पॉइंट है सेविंग अ प्रोग्राम. आप लोगों ने प्रोग्राम लिख लिया तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले जरूरी है कि उसको सेव किया जाए. आप अपनी ही डिजायर्ड लोकेशन पे उसको सेव कर सकते हो. तो किसी भी प्रोग्राम को आपकी हार्ड डिस्क में या बैकएंड डिस्क में मेमोरी लोकेशन पे सेव करना मस्ट है. आप लोग सेव इसलिए करते हो कि आप लोग अपने प्रोग्राम को दोबारा यूज कर सको. अगर आप सेव नहीं करोगे तो आप लोग एक दफा प्रोग्राम लिखने के बाद उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते हो. रियल लाइफ में हमें चीजें दोबारा यूज करनी होती हैं. और आप लोगों के पास जो सी प्रोग्राम है उसको सेव जब होता है, जो फाइल क्रिएट होती है, जो सोर्स फाइल क्रिएट होती है जिसमें आप लोगों ने अपना प्रोग्राम लिखा है, वो है डॉट सी एक्सटेंशन के साथ. एक्सटेंशन आप लोगों के पास एक छोटा सा डॉट के, आप किसी भी फाइल के बाद एक डॉट आता है और उसके बाद दो से तीन अल्फाबेट्स का आप लोगों के पास एक कॉम्बिनेशन गिवन होता है और वो कॉम्बिनेशन बताता है कि ये फाइल जो है वो किस टाइप की है, उसको आप लोग बोलते हो एक्सटेंशन. तो जब भी आप सी प्रोग्राम लिखोगे और उसको सेव करोगे तो हमेशा सी प्रोग्राम की जो सोर्स फाइल होती है जिसमें आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा होता है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट सी. देन आप लोगों ने प्रोग्राम लिख लिया, उसको सेव कर लिया डॉट सी की एक्सटेंशन के साथ. देन आप लोगों ने अब उस प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल, ट्रांसलेट करना है. तो कंपाइल का क्या, कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेशन. तो कंपाइलिंग वाले स्टेप में क्या होगा, आपका जो भी सोर्स प्रोग्राम है जो डॉट सी की एक्सटेंशन वाली फाइल में है वो उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी सी लैंग्वेज, जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज का, वो जब भी सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है तो वो एक न्यू फाइल बना देता है. उस न्यू फाइल की आप लोगों के पास जैसे सोर्स प्रोग्राम की डॉट सी एक्सटेंशन होती है, उस न्यू फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट ओ बी जे. तो कंपाइलिंग हमारे पास क्या करता है, सी प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है जो कुछ आप लोगों ने टेक्स्ट एडिटर में लिखा है, आप लोग उसको डॉट सी वाली फाइल में सेव करते हो. फिर आपका कंपाइलर डॉट सी वाली सोर्स फाइल को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में. क्यों करता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी डॉट सी फाइल को डायरेक्टली समझ नहीं सकता. तो कन्वर्ट करने के बाद, ट्रांसलेट करने के बाद जो मशीन लैंग्वेज वाली फाइल है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल, और वो फाइल डॉट ओ बी जे एक्सटेंशन के साथ सेव होती है. देन लिंकिंग अ सी फाइल, आप लोगों के पास आपके प्रोग्राम के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, आपका प्रोग्राम डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसकी मदद के लिए उसको बहुत सारी फाइल्स चाहिए होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्रोग्रामिंग से हटे, आप लोग पढ़ते हो ए फॉर एप्पल, हम लोग बचपन में सब ये पढ़ते आए हैं. हम कभी भी एप्पल की स्पेलिंग कंप्लीट नहीं कर सकते अगर हमें ए बी सी नहीं आती है. तो इसी तरीके से आप प्रोग्राम में कोई वर्ड लिख देते हो, वो प्रोग्राम को समझ में या कंपाइलर को ट्रांसलेट करने के लिए समझ में तब आएगा
जब कंपाइलर के साथ हम एक ऐसी फाइल को लिंक कर देंगे जिसमें उसका मतलब मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने प्रोग्राम लिखते हो प्रिंट. प्रिंट का मतलब क्या है? हमें रिजल्ट शो करो. अब कंपाइलर को ट्रांसलेशन करने के टाइम पे ये कैसे पता चलेगा कि प्रिंट का क्या मतलब है? लिंकिंग के थ्रू. बैकएंड पे एक लिंकिंग या लिंकिंग की फाइल्स होती है जिसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं और उन टेबल्स में हर वर्ड का उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जो वर्ड्स यूज होते हैं उसका मतलब लिखा होता है. तो कंपाइलर जिस टाइम पे ट्रांसलेट करता है उसके बाद वो क्या करता है? लिंक कि अच्छा ये जो मैंने ट्रांसलेट किया है इसका मतलब ये है. तो लिंकिंग प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद द प्रोग्राम. आप लोग लिंकिंग करना, और ये करता कौन है? लिंकर. आप लोगों के कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम को बैक एंड लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक कौन करता है? लिंकर. अ लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. आप लोगों के पास जब तक जो आप लोगों को कंपाइलर का रिजल्ट क्या कहा था? ऑब्जेक्ट फाइल. वो ऑब्जेक्ट फाइल तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक आप उसे लिंक नहीं करते हो. देन आप लोगों के पास लिंकर का आउट लिंक करने के बाद आप लोगों के पास जो फाइल बनती है वो होती है .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल. अगर हम लोग अपना प्रोसेस रिपीट करें, सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम को लिखा था और उसको सेव किया था, तो वो फाइल वो क्या था? सोर्स प्रोग्राम. और वो किस फाइल के एक्सटेंशन में सेव हुआ था? .c. .c का मतलब है ये क्या है? सोर्स प्रोग्राम. फिर हम लोगों ने उसको कंपाइल किया. कंपाइल करने से सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कंपाइलर ने ट्रांसलेट कर दिया, तो वो जो न्यू फाइल बनी उसके साथ क्या एक्सटेंशन थी? .obj. अब .obj फाइल तो बन गई, लेकिन वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं हो सकती जब तक वो फाइल लिंक नहीं होगी. तो फिर ऑब्जेक्ट और .obj फाइल लिंक होती है और एक नई फाइल बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किस एक्सटेंशन के साथ? .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल. और अब ये फाइनली वो फाइल होती है जिसको आप लोगों ने क्या करना होता है? मेमोरी में लोड करना होता है. जो मैं अभी हम लोगों ने आगे डिस्कस करना है लैब में, हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसमें मैं बताऊंगी कि .exe फाइल को लोड करना मस्ट होता है. देन लोडिंग में क्या होगा? जो .exe फाइल बन गई वो प्रोग्राम में या मेमोरी, जो भी प्रोग्राम की फाइल थी वो मेमोरी में लोड होगी. कोई भी चीज कंप्यूटर में तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक वो उसकी मेमोरी में लोड नहीं होती. तो जो फाइल .exe फाइल है वो आप लोगों के पास कंप्यूटर के मेमोरी में लोड हो जाएगी. और किसी भी फाइल के लिए एग्जीक्यूशन से पहले उसका लोड होना मस्ट है. देन एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या करता है? द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन इज नोन एज एग्जीक्यूटिंग. आप लोगों के पास ऐसा प्रोसेस जिसमें अब .exe फाइल जब मेमोरी में लोड हो जाएगी और फाइनली आपको वो काम नजर आएगा जो आपने कंप्यूटर को करने को बोला है, जिसके लिए आपने प्रोग्राम लिखा है, उसको आप लोग बोलते हो एग्जीक्यूटिंग. सी प्रोग्राम मस्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग. कभी भी सी प्रोग्राम आप लोगों के पास कंपाइलिंग और लिंकिंग से पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. ये बात आप लोगों ने याद रखनी है. इट इज द लास्ट स्टेप एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर. क्योंकि आप लोगों के पास जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एक दफा वो मेमोरी में लोड हो जाए तो फिर क्या होता है? वो फाइनली रन करना शुरू हो जाती है. जो भी काम है उसको करने को कहा है वो करना स्टार्ट हो जाती है. इसलिए ये इसका लास्ट स्टेप है. फिर डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर. लिंकर और लोडर में क्या डिफरेंस है? जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके प्रोग्राम को पीछे दी गई हेल्प फाइल से या लाइब्रेरी फाइल से, ऐसी फाइल जो आपके प्रोग्राम की मदद के लिए होती है, उनको लिंक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिंकर. उसने क्या किया? प्रोग्राम को आपकी .obj फाइल को लिंक किया और नई फाइल क्रिएट की .exe. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग. उसके बाद आप लोगों के पास अगर आप किसी ऐसी फाइल का रेफरेंस मांग लेते हो, की बुक मांग लेते हो,
जो आपके पास आपके कंप्यूटर में नहीं है, तो आपका लिंकर क्या करेगा, वो एरर देगा, वो कहेगा फाइल मिसिंग, आप लोग जिस फाइल से लिंक करना चाह रहे हैं वो आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, तो लिंकर एरर भी जनरेट कर सकता है। और आप जब भी लिंकिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसकी आउटपुट जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया वो क्या थी, .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, लिंकर का आउटपुट क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और लोडर ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के बाद उसको मेमोरी में लोड करता है। तो लिंकर और लोडर में मेन डिफरेंस क्या है, लिंकर आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है और लोडर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल लिंकर ने बनाई है उसको मेमोरी में लोड करता है। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट, कभी भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कि वो मेमोरी में लोड नहीं होगा। देन आप लोगों के पास एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है डॉट सी एक्सटेंशन और डॉट सीपीपी एक्सटेंशन में क्या फर्क है। दोनों की दोनों एक्सटेंशन जो एडिटिंग वाला प्रोग्राम है उसको सेव कर, सोर्स प्रोग्राम को सेव करने के लिए यूज होती है। जब आप सोर्स प्रोग्राम को सेव करते हो या तो वो डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव होता है या तो वो डॉट सीपीपी एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। आप लोगों के पास टर्बो सी प्लस प्लस क्या है, एक ऐसा कंपाइलर जो एक लैंग्वेज है सी प्लस प्लस उसको कंपाइल करने के लिए बनता है। तो सी प्लस प्लस आप लोगों के पास एक एक्सटेंशन है सी की, पहले सी लैंग्वेज बनी फिर उसमें बहुत सारे फीचर्स नए ऐड हुए और सी प्लस प्लस बन गई। तो कोई भी कंपाइलर जो सी प्लस प्लस को एग्जीक्यूट कर सकता है वो आपके सी के प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करता है। अगर आप कोई सोर्स प्रोग्राम देखो तो आपने उसके फाइल का नेम देखना है, अगर वो डॉट सी है उसके नाम के बाद डॉट सी आता है इसका मतलब है वो सी लैंग्वेज की फाइल है। अगर उसके नाम के बाद की जो एक्सटेंशन है वो डॉट सीपीपी है इसका मतलब है वो सी प्लस प्लस की फाइल। सी और सी प्लस प्लस में मेन डिफरेंस ये है कि जो सी है उसके पास फीचर्स लिमिटेड है और सी प्लस प्लस की फंक्शनैलिटी ज्यादा ब्रॉड है, उसमें ज्यादा फीचर्स है। बट आपके कोर्स के लिए हम लोग जो पढ़ेंगे वो सी है तो हम लोग मोस्टली प्रोग्राम्स को डॉट सी एक्सटेंशन के साथ ही सेव करेंगे। आप होम टास्क, आप लोगों ने टर्बो सी प्लस प्लस आपकी बुक में गिवन है, आप लोगों ने उस पर डिटेल्ड नोट लिखना है। आज हम लोगों ने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए कि आप लोग क्रिएट कैसे कर सकते हो प्रोग्राम को, सी के प्रोग्राम को सेव कैसे करते हो, कंपाइल कैसे करते हो, लिंक कैसे करते हो, लोड कैसे करते हो और एग्जीक्यूट कैसे करते हो। ये सारी चीजें आप लोगों ने विद रेफरेंस टू टर्बो सी प्लस प्लस लिखनी है अपने पास, कंप्लीट नोट्स जनरेट करनी है कि इंट्रोडक्शन टर्बो सी प्लस प्लस होता क्या है और ये सारे स्टेप्स टर्बो सी प्लस प्लस में किस तरह से परफॉर्म होते हैं। आपकी बुक में गिवन है, आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने उसको काफी डिटेल में पढ़ के उसके प्रॉपर नोट्स जनरेट करने हैं। थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप के इंट्रोडक्शन सेशन में पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे फॉरवर्ड चीजें लेके चलेंगे, आपका प्रोग्राम बेसिकली लिखते कैसे हैं और उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के आप लोगों ने मस्ट सुनना है, इस लेक्चर को आप लोगों ने देखना है और जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों के पास रिटन फॉर्म में होनी चाहिए और इंट्रोडक्शन सेशन में आप लोगों ने उसको पूछना है। थैंक यू।